और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी राजनीतिक हलचल, खासकर चंबल और ग्वालियर को लेकर। जिस तरह से कहा जा रहा था कि सीढ़ी बनाएंगे मध्य प्रदेश में एंट्री करने के लिए, बीजेपी जहां और कांग्रेस सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में चंबल और ग्वालियर को पार पाना आसान होगा, लेकिन वहां अभी बड़ी उथल पुथल मची है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुस्तम सिंह ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री है रुस्तम सिंह और बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज हुए हैं। बेटे राकेश सिंह के लिए उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, जहां पर नीला दुपट्टा डालकर दिखाई दिए हैं। तो अब ये साफ माना जा रहा है कि बीएसपी ज्वाइन कर ली है और एक बड़ा हेर फेर इस सीट पर वो करने वाले हैं। बिल्कुल, रुस्तम सिंह जी एक बड़ा नाम है दिनेश, और भारतीय जनता पार्टी से पहले तो अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे और बड़े ही दबंग और बड़े ही काबिल अधिकारी के तौर पर उनकी गणना हुई, और उसके बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के बाद राजनीति का दामन थामा और कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है ग्वालियर चंबल, जहां ये माना भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल में डालने वाली पेचीदगियां सामने आ रही है। मनोज जी, क्या अपडेट है आपके पास और किस तरह से आप देखते हैं? ग्वालियर चंबल वैसे ही बीजेपी के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। वैसे भी चंबल ग्वालियर बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए, और चंबल ग्वालियर से जिस तरह से रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दिया या बाकी कई जगह से खबरें आ रही, आपने देखा कि अभी दो दिन पहले ही रेगांव से बागरी परिवार यानी दोनों ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद दो जगह से और ऐसी खबरें आई, तो हमें लगता है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मुश्किलें बढ़ने वाली। और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें मुझे नजर आ रहा है जिस तरह बसपा ने सीटें दी, अब उसमें कैसे तालमेल हुआ, क्या समीकरण, लेकिन मुझे जो समीकरण दिखाई दे रहा है, बसपा इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली, खासकर बिंद और चंबल ग्वालियर में, क्योंकि जो सीटों का वितरण हो रहा है, जो नाराज लोग हैं वो बसपा की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर। आपसे उम्मीदें थी लेकिन आपकी तरफ ना जाते हुए लोग बसपा का दामन थाम रहे हैं। रुस्तम सिंह के बेटे ने बसपा का दामन थाम लिया, जाहिर है वो चुनाव लड़ेंगे तो गुर्जर वोटर जो है वो बढ़ जाएगा। रघुराज कंसाना मुरैना से विधानसभा के लिए चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ कांग्रेस से हम देखें, वहां तो दिनेश गुर्जर को मैदान में लेकर आए। दिनेश गुर्जर के सामने राकेश मवई जो विधायक रहा करते थे, उन्होंने भी ये कह दिया है कि मैं यहां जीतने नहीं दूंगा। तो जाहिर है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और बसपा इस चुनाव में एक अलग तरह की भूमिका में नजर आने वाली। शरद जी, बिल्कुल।